हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मस्त स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज हमारे घर एक दीदी आई हैं हमसे मिलने, और हालांकि बहुत दूर से आई हैं। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, चलिए आइए, पहले आप लोग से दीदी को मिलाते हैं, दीदी के बारे में कुछ जानते हैं। क्योंकि मतलब तीन चार दिन से परेशान थी मिलने के लिए दीदी, और चार पाँच बार कॉल करके बोली थी कि मिलना है। तो हम बोले कि ठीक है दीदी, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो उनसे अच्छे से बात की। आज दीदी के चलते कहीं गए नहीं, क्योंकि हमें भी किसी का मतलब जब सपोर्ट मिलता है तो हम भी सोचते हैं कि कोई आ रहा है तो हम अपना सारा काम धंधा बंद करके उनसे पहले एक बार मिल लें, क्योंकि इतने दूर से आ रही हैं। तो इस वजह से चलिए आइए, दीदी से मिलवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज हम आए हैं राधा दीदी से मिलने के लिए, क्योंकि हम चार पाँच दिन से बहुत परेशान थे। कई बार सोचते थे मिले, पर कोई संपर्क वाला नंबर नहीं था, तो मिल गया, तो मिलने आ गए हैं। तो देखिए, जो भी लोग दीदी लोग मिलना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। एक दिन पहले जैसे दीदी ने दीदी ने जैसे मुझे एक दिन पहले बता दिया कि कल मैं आऊँगी, तो मैं आज कहीं नहीं गई। इसी तरीके से अगर आप लोग मिलना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी एक दिन पहले बताएं। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत पास के हैं। अरे फिर भी जो मतलब नहीं जानते उनके लिए तो दूर ही सही। और प्लीज़ आप लोग एक दिन पहले कॉल करके मुझे बता दीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी काम हो, मैं काम धंधा बंद करके आप लोग से मिल सकूँ। क्योंकि अच्छा नहीं लगता मैं आप लोग को, आप लोग डायरेक्ट मतलब आ जाए फ़ोन करके बताओ और मैं सूट पे रहूँ और आप लोग वापस जाएँ, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि किसी की भी सपोर्ट अगर हम करें तो हम दिल से करें। और देखिए दीदी बहुत ही दिक्कत में है, बहुत परेशान है दीदी। प्लीज़ आप लोग से आज की रिक्वेस्ट है। दीदी अपने चैनल का नाम बोलो। तो दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है सीमा सिंह सन 2022। सीमा सिंह सन 2022। तो दोस्तों, दीदी के चैनल का नाम है सीमा सिंह 2022। प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट करिए, क्योंकि दीदी को आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और दीदी बहुत ही ज़्यादा परेशान है दोस्तों, कुछ इनकी पर्सनल दिक्कतें भी हैं जो ये सोशल मीडिया पे नहीं दे सकती हैं, और कुछ वैसी दिक्कतें हैं जो आप लोग को बताएंगी, अपने ब्लॉग में बताती रहेंगी। दीदी बताइएगा जरूर अपने ब्लॉग में क्या क्या आपकी दिक्कत परेशानी है, और बाकी का हम आपके साथ रहे हैं। आपको कभी भी शेयर करने से ही पब्लिक जानती है। अगर आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें एक कॉल कभी भी बेतहाशा होकर कर सकती हैं, ठीक है? कभी भी, रात बिरात कभी भी। और प्लीज़ दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उस तरीके से अगर आप लोग भी इनका सपोर्ट करेंगे दीदी का, तो इनका भी हिम्मत बना रहेगा और आगे भी कुछ करने को सोचेंगे। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग दीदी का सपोर्ट करिए, क्योंकि सबके आगे दिक्कत परेशानियां रहती हैं, लेकिन सब अपने दिक्कत परेशानी को दूर रख रख के वीडियो बनाते हैं, चैनल पे आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने खास दिल का मतलब जो दर्द होता है वो सोशल मीडिया पे नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उन लोग को भी बहुत दिक्कतों से झेलना पड़ता है कि हम लोग कैसे सोशल मीडिया पे अपने दिल की बात कहें। नहीं नहीं, कुछ लोग निंगोटी समझते हैं ना, कुछ लोग को जैसे मजाक उड़ाने लगते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते। कुछ लोग और उल्टा सीधा भी सोचने लगते हैं। सबसे पहले गांव के लोग, आरी बगल के जो भी रहते हैं, वही लोग मजाक बनाने लगते हैं इसके। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि दीदी के जो हस्बैंड हैं विकलांग हैं, और विकलांग होने के बाद भी उतना हिम्मत रखते हैं, क्योंकि वाइफ हैं, वो अपनी वाइफ का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि देखिए मामूली बात नहीं है। विकलांग लोग देखिए नहीं कहीं जाते हैं, नहीं भैया यहाँ तक आए लेकिन हमारे घर पे नहीं आए, हमको बहुत बुरा लगा। उनको शर्म लग रही थी कि हम मतलब नहीं, शर्म करने से थोड़ी ना होता है। हमको बहुत बुरा लगा, क्योंकि भैया को हमारे यहाँ पे आना चाहिए था, हम इतना जान रहे हैं, भैया नहीं आए। तो दोस्तों बुरा बहुत लगा, प्लीज़ भैया आपको मेरे घर आना चाहिए था, हम भी इंसान हैं आपकी तरह, हम आपका दुख पूरा समझते हैं, आप नहीं आए हमको थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, भैया विकलांग हैं और दीदी का इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा कोई हस्बैंड होगा जो मतलब विकलांग होने के बाद भी अपने वाइफ का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं वीडियो के लिए? तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिए, क्योंकि देखिए आज के डेट में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है, गांव घर के लोग भी नहीं जाते हैं, घर के लोग खुद नहीं, गांव के तो छोड़िए, घर के अपने लोग ही नहीं जाते हैं। अब मैं आप लोग को ब्लॉगिंग में पूरा देते रहती हूँ, मेरे साथ जो जो होता है मैं देती हूँ, क्योंकि मेरा समझते हैं आप लोग के अलावा मेरा कोई नहीं है। कुछ नहीं बता पाते, कहा है कि सब लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। सब लोग सही बात है। अभी देखिए इनकी कोई पहचान नहीं है ना, अभी इनकी कोई पहचान नहीं है, तो सब यही बोलेंगे कि आदमी विकलांग है, इसको काम धंधा नहीं है, वीडियो बना रही है, यही सब बोलते होंगे ना, यही बोलते होंगे कि आदमी विकलांग है और ये
मतलब आदमी विकलांग है और ये मतलब मैडम बन के वीडियो बना रही है, काम धंधा नहीं, मतलब यही सब ताना मारते होंगे हमें मालूम है कि, क्योंकि एक औरत के साथ जब ऐसे तरीके का सलूक होता है तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरा तो आत्मा आत्मा रोने लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दीदी के चैनल का नाम एक बार और आप लोग को मैं बोल देती हूँ, सीमा सिंह सन 2022। प्लीज़ इस चैनल को जाइए, सब्सक्राइब करिए और दीदी का जरूर हेल्प करिए आप लोग, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो प्लीज़ एक दिन पहले हमको कॉल करके बता दीजिए ताकि मैं अपना काम धंधा बंद करके मैं आप लोग से मिल सकूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, नमस्कार, बाय बाय।